जेएनयू के तमाम लोगों को, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, हम चाहे वो दुकानदार हो या दुकान में काम करने वाले मजदूर हो, मैं तमाम लोगों को अपना क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, मैं इस मंच से आप तमाम स्टूडेंट के बिहाफ पर, जेएनयू इंस्टीट्यूट प्रेसिडेंट होने के नाते मैं पूरे देश के लोगों को, यहाँ मौजूद मीडिया चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको अपना सलाम। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरी दुनिया के वो तमाम लोग, चाहे वो एकेडमिशियन हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, के पास वो स्टैंड किए हैं। तमाम लोग, चाहे वो मीडिया के लोग हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हो, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हो, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल लोग हो, वो तमाम लोग आज जो इस जेएनयू को बचाने की लड़ाई के साथ खड़े हैं, जो रोहित बेमुरा को न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं, उनको मैं तमाम देश के काम का धन्यवाद करता हूं। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश के बड़े बड़े महानुभाव जो पार्लियामेंट में बैठकर क्या सही है क्या गलत है इसको तय करने का दावा कर रहे हैं, उनको धन्यवाद, उनकी पुलिस को धन्यवाद, उन चैनलों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे यहां एक कहावत है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम नहीं हुआ। कम से कम जेएनयू को बदनाम करने के लिए ही उन्होंने प्राइम टाइम पे जगह दिया। किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है, खास करके एबीवीपी के प्रति तो कोई भी नफरत नहीं है। वो इसलिए कि हमारे कैंपस का जो एबीवीपी है वो दरअसल बाहर के एबीवीपी से ज्यादा रेशनल है। अपने आप को राजनीतिक विद्वान समझते हैं तो एक बार पिछला प्रेसिडेंशियल डिबेट का जो हालत हुआ है एबीवीपी के कैंडिडेट का, उसका वीडियो देख लीजिए साहब। और जो मोस्ट इंटेलेक्ट पर्सन है इस देश में एबीवीपी का, जो जेएनयू का एबीवीपी है, उसको जब हमने पानी पानी कर दिया कोई दुर्भावना नहीं है, क्योंकि हम लोग सच में लोकतांत्रिक लोग हैं, सचमुच का संविधान में भरोसा करते हैं। इसीलिए एबीवीपी को दुश्मन की तरह नहीं, विपक्ष की तरह देखते हैं। मैं तुम्हारा वीच हंटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि शिकार भी उसका किया जाता है जो शिकार करने के लायक है। कि ये जो तमाम प्रक्रिया हुई है, मैं पहली बार कसम से, ये उस कहावत की तरह नहीं है कि सावन में पैदा हुआ
और भादो का बाढ़ देखकर कहा हो कि ऐसी बाढ़ नहीं देखी। सच में कह रहा हूं, जेएनयू ने जो दिखाया है, जेएनयू जिस तरीके से खड़ा हुआ है इस देश के अंदर सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए, और मजेदार बात यह है कि ये स्पॉन्टेनियस है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका सब कुछ प्लान्ड था, सब कुछ स्पॉन्टेनियस था। संविधान में, इस देश के कानून में और इस देश की न्याय प्रक्रिया में भरोसा है, इस बात का भी भरोसा है कि बदलाव ही सत्य है और बदलेगा। हम बदलाव के पक्ष में खड़े हैं और यह बदलाव पूरा भरोसा है अपने संविधान पर, पूरे तरीके से खड़ा होते हैं अपने संविधान के उस तमाम धाराओं को लेकर जो प्रस्तावना में कहा गया है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, समानता। सवाल पूछ रहा था, मैं कहना चाहता हूं कि मैं आज भाषण नहीं दूंगा, आज मैं सिर्फ अपना अनुभव आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले पढ़ता ज्यादा था, सिस्टम को झेलता कम था। इस बार पढ़ा कम है, झेला ज्यादा, इसीलिए तो कहूंगा जेएनयू में लोग ज्यादा रिसर्च करते हैं, प्राइमरी डेटा है भाई साहब, न्यायालय के अधीन है उसके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना है। सिर्फ एक बात कहा है, और इस देश की तमाम वो जनता जो सच में संविधान से प्रेम करती है, जो बाबा साहब के सपनों को सच करना चाहती है, वो इशारों ही इशारों में समझ गया होगा कि हम क्या कह रहे हैं। जो मामला सब जुड़िस है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, कहा है सत्यमेव जयते। मैं भी कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपसे भारी वैचारिक मतभेद है, लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं इस देश का है, इस संविधान का है, मैं भी कहता हूं सत्यमेव जयते। और इस लड़ाई में वो तमाम लोग जो शामिल हैं उनको एक बात बस कहते हुए अपना अनुभव आपसे शेयर करूंगा। बस वो एक बात यह है कि ये मत समझिएगा कि कुछ स्टूडेंट के ऊपर एक पॉलिटिकल टूल की तरह सेडिशन का इस्तेमाल किया गया है। इसको ऐसे समझिएगा कि मैं ये बात अक्सर बोला हूं अपने भाषणों में, हम लोग गांव से आते हैं, मेरे परिवार से भी शायद आप लोग मुखातिब हो चुके हैं, तो हमारे यहां रेलवे स्टेशन पे जिसको टीशन कहा जाता है, वहां पर जादू का खेल होता है, जादूगर दिखाएगा जादू, बेचेगा अंगूठी, मनपसंद अंगूठी, और जिसकी जो इच्छा है वो अंगूठी पूर्ण कर देगी, ऐसा जादूगर कहता है। इस देश के भी कुछ नीति निर्माता है, वो कहते हैं काला धन आएगा, हर हर मोदी, महंगाई कम होगी, बहुत हो गई, सही मत सही है, अब की बार ले आइए, आपका विकास। वो सारे जुमले आज लोगों के जहन में है, हालांकि हम भारतीय लोग भूलते जल्दी हैं, लेकिन इस बार का तमाशा इतना बड़ा है कि भूल नहीं पा रहे। कोशिश ये है कि उन जुमलों को भुला दिया जाए, और ये जुमलेबाज कर रहे हैं। और इसको
कैसे भुलाया जाए? तो ऐसा करो, इस देश के तमाम जो रिसर्च फेलो हैं उनका फेलोशिप बंद कर दो। लोग क्या करने लगेंगे, कहेंगे फेलोशिप दे दीजिए, फेलोशिप दे दीजिए। फिर कहेंगे कि अच्छा ठीक है, जो 5,000 और 8,000 देता था वही कंटिन्यू रहेगा। मतलब बढ़ाने का मामला गया। बोलेगा कौन? जेएनयू। तो जब आपको गालियां पड़ रही है चिंता मत कीजिएगा, जो कमाए हैं वही खा रहे हैं आप लोग। सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो उनका साइबर सेल क्या करेगा? वो डॉक्टर्ड वीडियो भेजेगा, तो गालियां भेजेगा, और वो गिनेगा कि आपके डस्टबिन में कितना कॉन्डोम है। ये बहुत गंभीर समय है, इसीलिए इस गंभीर समय में हम लोगों को गंभीरता से कुछ सोचने की जरूरत है कि जेएनयू पे हमला एक नियोजित हमला है, इस बात को आप समझिए। और ये नियोजित हमला इसलिए है कि आप ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट को डिलेजिटिमेट करना चाहते हैं। ये नियोजित हमला इसलिए है कि आप रोहित बेमुला के जस्टिस के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है उस लड़ाई को आप खत्म करना चाहते हैं। आप जेएनयू का मुद्दा इसलिए प्राइम टाइम पे चला रहे हैं माननीय XRSS, क्योंकि आप इस देश के लोगों को भुला देना चाहते हैं कि मौजूदा प्रधानमंत्री ने 15,00,000 रुपया उनके अकाउंट में आने की बात कही थी। लेकिन एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं, जेएनयू में एडमिशन पाना आसान नहीं है, तो जेएनयू के लोगों को भुला देना भी आसान नहीं है। कि हम भुला देंगे तो हम आपको बार बार याद करा देना चाहते हैं कि इस देश की सत्ता ने जब जब अत्याचार किया है, जेएनयू से बुलंद आवाज आई है और हम उसी को दोहरा रहे हैं। हमारी लड़ाई को डाइल्यूट नहीं कर सकते हो। क्या कह रहे हैं? एक तरफ देश के सीमाओं पे नौजवान मर रहे हैं, मैं सैल्यूट करना चाहता हूं उनको जो लोग सीमा पे मर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, जेल में मैंने एक बात सीखी है कि जब लड़ाई विचारधारा की हो तो व्यक्ति को बिना मतलब का पब्लिसिटी नहीं देना चाहिए। इसीलिए मैं उस लीडर का नाम नहीं लूंगा। बीजेपी के एक नेता ने लोकसभा में कहा कि नौजवान सीमा पे मर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वो आपका भाई है या फिर इस देश के अंदर जो करोड़ों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो रोटी उगाते हैं हमारे लिए और उन नौजवानों के लिए जो उस नौजवान के पिता भी हैं, उसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? पूछना चाहते हैं कि जो किसान खेत में काम करता है, मेरा बाप, मेरा ही भाई फौज में भी जाता है और वही मरता है, और तुम ये बाइनरी बना करके देश के अंदर एक झूठा डिबेट मत खड़ा करो। जो हमारा सवाल है कि तुम पार्लियामेंट में खड़ा होकर किसके खिलाफ राजनीति कर रहे हो? वो जो मर रहे हैं उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? लड़ने वाले लोग जिम्मेवार नहीं हैं, लड़ाने वाले लोग जिम्मेवार हैं। शांति मुझे याद आ रही है, शांति नहीं तब तक जब तक
सुख भाग न सबका सम होगा, नर का सम है, इसलिए मैंने जेएनयू में जेंडर सेंसिटिव होते हुए सबका कर दिया। जब तक सुख भाग न सबका सम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम होगा। युद्ध के लिए जिम्मेवार कौन है, कौन लड़ाता है लोगों को, कैसे मर रहे हैं मेरे पिताजी और कैसे मर रहा है मेरा भाई, हम पूछना चाहते हैं ये बाइनरी बनाने वाले प्राइम टाइम के दो टकिए स्पीकरों से। जो समस्या है, क्या उस समस्या से आजादी मांगना गलत है? ये क्या कहते हैं, किससे आजादी मांग रहे हो तुम ही बता दो। क्या भारत ने किसी को गुलाम कर रखा है? नहीं तो ऑब्वियसली भारत से नहीं मांग रहे हैं। भारत से नहीं मेरे भाइयों, भारत में आजादी मांग रहे हैं। में फर्क होता है, अंग्रेजों से आजादी नहीं मांग रहे हैं, वो आजादी इस देश के लोगों ने लड़ करके लिया है। अब मैं अपने अनुभव पे आता हूं। पुलिस ने हमसे पूछा कि आप लोग लाल सलाम जाते हैं, कि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं था। पुलिस हमको कभी खाना खिलाने के लिए, कभी मेडिकल कराने के लिए ले जाती थी, और हम जेएनयू के लोग उसमें से भी मैं ब्रह्मपुत्रा का, तो मैं बिना बात किए रहता कैसे? तो मैं उनसे बात करने लगा और बात किया तो वो आदमी भी वैसा निकला जैसा मैं। पुलिस में कौन नौकरी करता है जिसके पिताजी किसान हो, जिसके पिताजी मजदूर हो, जिसके पिताजी कमजोर वर्ग के हो, वही पुलिस की नौकरी करता है। मैं भी इस देश का वन ऑफ द बैकवर्ड स्टेट बिहार से आता हूं, मैं भी एक गरीब परिवार से आता हूं, मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं, और पुलिस में भी गरीब परिवार के लोग ही नौकरी करते हैं। मैं कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर तक की बात कर रहा हूं, आईपीएस साहब से मेरा ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो वो जो सिपाही था उससे बातचीत हुई, और जो भी मैं अनुभव कहूंगा वो बस बातचीत का हिस्सा है। उसने पूछा कि लाल सलाम क्या है? हमने कहा लाल मतलब क्रांति, सलाम मतलब क्रांति को सलाम। तो कहा मतलब समझ में नहीं आया। बोले इनकलाब जिंदाबाद, बोला जानते हैं, तो बोले क्रांति को ही उर्दू में इनकलाब कहते हैं। स्लोगन तो एबीवीपी भी लगाती है। हम बोले अब समझ में आया कि वो नकली इनकलाबी है, हम असली। बताइए कि आप लोगों को बहुत सस्ता सब कुछ जेएनयू में मिला है। हम बोले एक बात बताएं। बोला बताइए। बोले आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आपका अभी जो हालत है, क्योंकि वो 18 घंटे ड्यूटी करता था, मैंने देखा उसको, और आपको ओवर टाइम मिलता है? बोला नहीं। तो बोले कहां से लेते हैं? बोला यही होता है ना जिसको आप करप्शन कहते हैं। तो जितना भत्ता मिलता है, अब वर्दी के लिए उनको 110 रुपये मिलता है, इतने में तो आप बताइए अंडर गार्मेंट्स में आए वर्दी। ये बात को खुद सिपाही बोल रहा है। हमने कहा इसी से तो आजादी चाहते हैं, भुखमरी से, भ्रष्टाचार से। इसलिए ना
हरियाणा में एक आंदोलन शुरू हो गया। और आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस में ज्यादातर लोग हरियाणा से आते हैं। मैं उनको बहुत सैल्यूट करता हूं, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनती लोग होते हैं। तो हमने कहा कि ये आरक्षण, बोला जातिवाद बहुत खराब है। हम बोले इसी जातिवाद से तो आजादी चाहते हैं। बोला इसमें तो कोई गलत नहीं है, इसमें तो कोई देशद्रोह नहीं है। हम बोले आप ये बताइए कि सिस्टम में सबसे ज्यादा पावर किसको है। बोला हमारे डंडे को। बिल्कुल सही बात। क्या आप ये डंडा अपनी इच्छा से चला सकते हैं? बोला नहीं। तो बोले सारा पावर किसके पास चला गया? बोला जो फर्जी ट्वीट पे स्टेटमेंट दे रहा है। हम बोले हम इसी फर्जी ट्वीट करने वाले जो संघी लोग हैं उनसे आजादी चाहते हैं। दोस्त अब ऐसा लगता है कि हम और तुम एक साथ खड़े हैं। हम बोले यार इसमें एक दिक्कत है कि अब सारे मीडिया के लोगों को नहीं कह रहा हूं, बली बोल रहा हूं, क्योंकि सारे मीडिया के लोग वेतन वहां से नहीं पाते हैं, कुछ लोग वहीं से वेतन पाते हैं। मीडिया में काम करते करते, उधर पार्लियामेंट में रिपोर्टिंग करते करते अंदर जाने के प्रयास में हैं, तो उन लोगों ने ही ना ऐसा माहौल बना दिया है कि हम आपसे वन टू वन बात करते हैं और वो देखिए सनसनीखेज। ऐसा करते हैं सब कहो दोस्त। तो मेरी तो ये इच्छा हुई थी कि जब तुम आओगे, क्योंकि तुम्हारा नाम FIR में आ गया था, हम बोले FIR से पहले ABBP के पर्चे में आ गया। ABBP का पर्चा में पहले नाम लिख दिया था हम तमाम एक्यूज्ड का, FIR में बाद में नोट हुआ है। तो बोला हम सोचे थे कि तुम आओगे तो बहुत पीटेंगे, लेकिन तुमसे बात करके मेरी इच्छा हो रही है कि मैं उनको जाकर के पीट दूं। मैं इस पे ध्यान दिलाना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से पूरे मुल्क के लोगों को। सिपाही ने जो मेरी तरह एक आम परिवार का लड़का है, जो मेरी तरह PhD वो भी करना चाहता था लेकिन उसको जीवनी नहीं मिला, जो मेरी तरह इस देश की व्यवस्था को समझकर लड़ाई को लड़ना चाहता था, साक्षर और शिक्षित का फर्क समझना चाहता था, आज पुलिस की नौकरी कर रहा है। यहाँ JNU खड़ा होता है, इसीलिए आप JNU के आवाज को दबाना चाहते हैं कि एक कमजोर आदमी PhD ना कर सके, क्योंकि शिक्षा जो बेची जा रही है वहां पे लाखों रुपया देने के लिए उसके पास फीस नहीं होगा, इसलिए वो PhD नहीं करेगा। आप बंद करना चाहते हैं उन तमाम आवाज को जो यूनाइट हो सकता है, चाहे वो सीमा पे खड़ा हो, चाहे खेत में अपनी जान दे रहा हो, या JNU में आजादी के लिए संघर्ष कर रहा हो, आप उस आवाज को मिलने नहीं देना चाहते। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र से काम नहीं चलेगा, हम सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करेंगे। इसलिए हम बार बार संविधान की बात करते हैं, और लेनिन ने कहा है डेमोक्रेसी इज इंडिस्पेंसिबल टू सोशलिज्म, इसीलिए हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इसीलिए हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, इसीलिए हम इक्वलिटी की बात करते हैं, हम इसीलिए सोशलिज्म की बात करते हैं कि एक चपरासी का बेटा और एक राष्ट्रपति का बेटा एक स्कूल में पढ़ाई कर सके। लेकिन क्या इत्तेफाक है, विज्ञान में कहा गया है
कि आप जितना दबाओगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा, लेकिन इनको विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि विज्ञान पढ़ना एक बात है, वैज्ञानिक होना बहुत दूसरी बात है। तो वो लोग जो वैज्ञानिक सोच इस देश में रखते हैं, अगर उनके साथ संवाद स्थापित किया जाए तो इस मुल्क के अंदर जो आजादी हम मांग रहे हैं, भुखमरी और गरीबी से, शोषण और अत्याचार से, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए, वो आजादी हम लेकर रहेंगे। और वो आजादी इसी संविधान के द्वारा, इसी संसद के द्वारा और इसी न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा हम सुनिश्चित करेंगे। इस मुल्क में ये हमारा सपना है, यही बाला साहब का सपना था, यही साथी रोहित का सपना है। देखो, एक रोहित को मारे हो, उस कंटिन्यूएशन में जिस आंदोलन को तुम दबाना चाहे थे, वो आंदोलन कितना बड़ा बनकर के उभरा है, कितना बड़ा। एक बात और है, अपने जेल के अनुभव से कहना चाहता हूं कि हम जेएनयू के लोग, और ये मेरा सेल्फ क्रिटिसिज्म है, अगर आप लोगों को भी अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म लगे इसको मानिएगा जरूर, हम जेएनयू के लोग सभ्यशालीन तरीके से बात तो करते हैं लेकिन बहुत ही भारी टर्मोलॉजी में बोलते हैं। और ये बात इस देश के आम लोगों को समझ में नहीं आता है। उनका दोष नहीं है, वो ईमानदार, नेक, समझदार लोग हैं, आप ही उनके लेवल पे लाकर के चीजों को नहीं रखते हैं। और उनके पास पहुंचता क्या है, उनके पास पहुंचता है जल्दी फॉरवर्ड करो मनोकामना पूरा होगा, जल्दी फॉरवर्ड करो मनोकामना पूरा होगा, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में भेज दो। अब मोमो देखते हैं और ओएलएक्स पे बेचते हैं। ये जो बेचने की मानसिकता बनाई गई है इस देश के अंदर, उसके साथ हमको संवाद स्थापित करना है। और मैं जेल के अनुभव से कहना चाहता हूं कि मुझे जेल में दो बाउल मिला, एक का कलर कटोरी, एक का कलर ब्लू था और दूसरे का कलर लाल था। कटोरी को देखकर बार बार ये सोच रहा था कि मुझे डेस्टिनी पे तो कोई भरोसा नहीं है, भगवान को भी नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ अच्छा इस देश में होने वाला है। कि एक साथ लाल और ब्लू कटोरी है, और वो प्लेट मुझे भारत की तरह दिख रहा था, और वो ब्लू कटोरी मुझे अम्बेडकर मूवमेंट लग रहा था। और मुझे लगा कि अगर इसकी यूनिटी इस देश के अंदर बना दी गई, सच कहते हैं, अब नो मोर देखते हैं, बेचने वाले को भेजते हैं, बेचने वाला नहीं चाहिए, सबके लिए जो न्याय सुनिश्चित कर सके, हम उसकी सरकार बनाएंगे, सबका साथ सबका विकास, हम सचमुच का स्थापित करेंगे। कड़ा पहरा था, चना लेकर आए हैं। और एक कहावत है, जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। हालांकि बहुत देर हो गया है जेएनयू के लिए, बहुत दिनों के बाद जेएनयू के स्टूडेंट को जेल भेजा गया है, काफी लंबे समय के बाद, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद एक मजेदार बात बता देता हूं, ये उससे जुड़ा हुआ है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आदरणीय बोलना पड़ेगा ना,
प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, स्टालिन और क्रुश्चेव की बात कर रहे थे, मेरी इच्छा हुई कि मैं टीवी में घुस जाऊं और उनका सूट पकड़ कर कहूं, मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात कर रही थी। मुसोलिनी की बात कर लीजिए, जिसकी काली टोपी लगाते हैं, जिसे आपके गुरुजी गोलवलकर साहब मिलने गए थे और भारतीयता की परिभाषा जर्मन से सीखने का उपदेश दिया था। तो हिटलर की बात, क्रुश्चेव की बात, प्रधानमंत्री जी की बात, उसी वक्त योजना की बात हो रही थी। मन की बात करते हैं सुनते हैं। बहुत ही पर्सनल चीज है। मेरी माँ से आज लगभग 3 महीने के बाद मेरी बात हुई है। मैं जब भी जेएनयू में रहता था, मैं घर बात नहीं करता था। जेल जाके एहसास हुआ कि बराबर बात करनी चाहिए। आप लोग भी करते रहिएगा अपने घर वालों से। तो मैंने अपनी माँ को कहा कि तुमने मोदी पे बड़ा अच्छा चुटकी लिया। तो मेरी माँ बोली कि नहीं, वो मैंने चुटकी नहीं लिया, चुटकी तो वो लोग लेते हैं, हंसना हंसाना उनका काम है, हम तो अपना दर्द बोलते हैं। जिनको समझ में आती है वो रोते हैं, जिनको समझ में नहीं आती वो हंसते हैं। उसने कहा कि मेरा दर्द है, इसलिए मैंने कहा था कि मोदी जी भी किसी की माँ का बेटा है, मेरे बेटे को देशद्रोह के आरोप में फंसा दिया है। तो कभी मन की बात करते हैं, कभी माँ की भी बात कर लें। मेरे पास कोई शब्द नहीं था उसको कहने के लिए, क्योंकि इस देश के अंदर जो हो रहा है उसमें एक बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। इसीलिए मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, इसीलिए मैं एक मीडिया चैनल की बात नहीं कर रहा, इसीलिए मैं सिर्फ सैनिकों की बात नहीं कर रहा, मैं सच में पूरे देश की बात कर रहा हूं। कैसा देश होगा जिस देश में देश के लोग ही नहीं होंगे? आप सोचिए, जेएनयू के पक्ष में अगर जो लोग खड़ा हुए हैं उनको बार बार सैल्यूट करने की जरूरत है, क्योंकि वो इस बात को समझ रहे हैं कैसे लोग आते हैं जेएनयू में। यहां पर 60% लड़कियां पढ़ती हैं। देश का एकमात्र संस्कार, और दावे के साथ कह सकता हूं, तमाम कमियों के बावजूद जेएनयू एकमात्र ऐसा संस्थान है जो रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू करता है, और जहां लागू नहीं करता वहां लागू कराने के लिए हम लोग लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। यहां जो लोग आते हैं, ये बात मैंने आज तक आप लोगों को नहीं कहा होगा और आप लोगों को मालूम भी नहीं चला होगा कि मेरा परिवार 3,000 रुपए में चलता है। क्या मैं PhD कर सकता हूं किसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में? और इस तरीके से जेएनयू पे जब हमला किया जा रहा है और जो लोग इसके पक्ष में खड़ा हो रहे हैं, मुझे कोई संघर्ष नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी से, क्योंकि मेरी अपनी एक विचारधारा है, लेकिन जो लोग खड़ा हो रहे हैं उनको भी देशद्रोही कहा जा रहा है। सीताराम येचुरी को भी मेरे साथ देशद्रोह के केस में डाल दिया, राहुल गांधी को मेरे साथ देशद्रोह के केस में डाल दिया, डी राजा को देशद्रोह के केस में डाल दिया,
और जो मीडिया के लोग केजरीवाल को डाल दिए, जो लोग मीडिया के लोग जो जेएनयू के पक्ष में बोल रहे हैं, दरअसल वो जेएनयू के पक्ष में नहीं बोल रहे, वो सही को सही और गलत को गलत बोल रहे हैं। उनको गालियां भेजी जा रही है, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये कैसी स्वयंभू राष्ट्रभक्ति है भाई साहब, सेल्फ क्लेम्ड। एक सवाल हमने पूछा, कुछ लोग तीन चार कांस्टेबल जेल में मुझे पूछे कि सच में नारे लगाए हो, बोले सच में लगाए हैं, फिर जाके लगाओगे, बोले एकदम लगाएंगे, बोले फर्क कर पाते हैं कि रेशनलिटी खत्म हो गई। भाई साहब अभी 2 साल ही सरकार को आया हुआ है, 3 साल और झेलना है, इतनी जल्दी यह देश अपनी रेशनलिटी लूज नहीं कर सकता है, क्योंकि देश के 69% लोगों ने उस मानसिकता के खिलाफ वोट दिया है। इस बात को डेमोक्रेसी में याद रखें, 31% लोग, और उसमें से भी कुछ आपके जुमलेबाजी में फंस गए, कुछ को तो आपने हर हर कह के ठग लिया, आजकल अरहर से परेशान है। और यह बात सच है कि 100 बार झूठ को झूठ कहते हैं तो वो सच हो जाता है, लेकिन ये झूठ के साथ होता है, सच के साथ नहीं होता। क्या 100 बार हम सूरज को चंद्रमा चंद्रमा कहेंगे तो वो चंद्रमा हो जाएगा, वो सूरज ही रहेगा, 1000 बार कह लीजिए। आप झूठ को ही झूठ बना सकते हैं, आप सच को झूठ नहीं बना सकते। और यह जो आपकी साजिश है, इनका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जैसे लोकसभा में ये लाते हैं, बाहर में लोकसभा के बाहर देश में ध्यान भटकाओ प्रस्ताव इनका चलता है। जनता के जो वाजिब सवाल हैं उनसे लोगों को भटका दिया जाए, लोगों को फंसा दिया जाए, किसमें नया नया एजेंडा है। इधर ऑक्यूपाई यूजीसी चल रहा था, साथ ही रोहित की हत्या हो गई, साथ ही रोहित के लिए आवाज उठाया, देखते देखते देखिए देश का सबसे बड़ा देशद्रोह, राष्ट्रद्रोहियों का अड्डा, ये चला दिया। ज्यादा दिन चलेगा नहीं तो इनकी अगली तैयारी है, राम मंदिर बनाएंगे। आज की बात बताता हूं, आज एक सिपाही से बात हुई है निकलने से पहले, कहा धर्म मानते हो, हमने कहा धर्म जानते ही नहीं, पहले जान ले फिर मानेंगे। बोला किसी परिवार में तो पैदा हुए होगे, मैंने कहा इत्तफाक से हिंदू परिवार में पैदा हुए, तो कहा कि कुछ है जानकारी, मैंने कहा मेरी जितनी जानकारी है उसके हिसाब से भगवान ने ब्रह्मांड को रचा है और कण कण में भगवान है, आप क्या कहते हैं। हमने कहा, उसने कहा बिल्कुल सही बात है, तो हम बोले कुछ लोग जो है भगवान के लिए कुछ रचना चाहते हैं, इस पर आपकी क्या राय है। कहा महापूर्वक आ गया। कितना बार चढ़ाओगे भाई, 80 से 180 एक बार मना लिए थे, बेड़ा पार लगा दिए थे, मुख में राम बगल में छुरी, अब की नहीं चलेगा, अब की थोड़ी धूरी बदल गई है। लेकिन इनकी कोशिश है कि चीजों को भटकाया जाए, ताकि इस देश के अंदर जो वाजिब सवाल है उसको विमर्श ना खड़ा हो। आज आप यहां खड़े हैं, आप यहां बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि आपके ऊपर एक हमला हुआ है, सचमुच ये बड़ा हमला है, लेकिन ये हमला मेरे दोस्त आज नहीं हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आरएसएस के मुखपत्र
ऑर्गेनाइजर में बकायदा एक कवर स्टोरी किया गया था जेएनयू के ऊपर। स्वामी जी का बयान आया था जेएनयू को लेकर के, और मुझे डेमोक्रेसी में पूरा भरोसा है। अगर एबीपी के मेरे दोस्त सुन रहे हैं तो मेरा सादर अनुरोध है उनसे, एक बार स्वामी जी को ले आइए, आमने सामने विमर्श कर लेते हैं। तार्किक तरीके से, कुतर्क से नहीं। अगर तार्किक तरीके से वो साबित कर देंगे कि जेएनयू को 4 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए तो मैं उनकी बात पे सहमत हो जाऊंगा। अगर नहीं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा जैसे पहले देश से बाहर थे फिर चले जाइए। इस तरीके से हमला किया जाता है। और मजेदार बात मैं आपको बताऊं, शायद आप लोग कैंपस के अंदर थे तो उन चीजों को देख नहीं पाए। कितना प्लानिंग था, पूरा प्लान डे वन से प्लान था। इतना भी दिमाग नहीं लगाते हैं मेरे दोस्त, यहाँ के जो एबीपीओ का दोस्त नहीं है वो बाहर का एक दूसरा कि पोस्टर तक नहीं बदलता। जो प्रोटेस्ट जिस हैंडबिल के साथ, जिस तख्ती के साथ हिंदू क्रांति सेना करता है, वही प्रोटेस्ट उसी तख्ती के साथ एबीवीपी करता है। वही प्रोटेस्ट, वही कंटेंट, उसी डिजाइन के साथ कोट एंड कोट एक्स आर्मी मैन मार्च करते हैं। इसका मतलब है कि सबका प्रोग्राम नागपुर में तय हो रहा है। प्रोग्राम नहीं है मेरे दोस्त, मोटी मोटी एक बात है, और वो बात है इस मुल्क के अंदर जो आवाज है संघर्ष की उसको दबाना। मोटी मोटी बात है कि इस देश के लोगों के सामने जो उसके जीवन के बुनियादी सवाल है उससे जनता के ध्यान को भटकाना। और मोटा मोटा सवाल है कि इस जेएनयू कैंपस के अंदर जो लड़ने वाले लोग हो, चाहे वो अनिर्वाण हो, चाहे वो उमर हो, चाहे अनंत हो, आशुतोष हो, चाहे कन्हैया हो, चाहे आप सब में से कोई हो, उसको देशद्रोही बता करके जेएनयू के आवाज को दबाना, जेएनयू को डिलेजिटिमेट करना, इस संघर्ष को खत्म करना। लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कि इस संघर्ष को तुम दबा नहीं पाओगे, तुम जितना दबाओगे हम उतना खड़ा होंगे। ये लंबी लड़ाई है, बिना रुके, बिना झुके, बिना सांस लिए इस लड़ाई को हमको आगे बढ़ाना है। और इस कैंपस के अंदर जो देश को विभाजित करने वाली ताकत हो, चाहे एबीवीपी के लोग हो, चाहे इस कैंपस के बाहर आरएसएस और भाजपा के लोग हो जो इस देश को बर्बादी के कगार पर लाना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम एकजुट होकर खड़ा होंगे। जेएनयू खड़ा होगा, इतिहास बनाएगा। के दौरान छेड़ी गई जो लड़ाई साथी रोहित बेमुला ने छेड़ा है, और जो लड़ाई आप लोगों ने छेड़ा है, इस देश के अंदर अमन पसंद, प्रगति पसंद लोगों ने छेड़ा है, उस लड़ाई को हम लड़ेंगे, जीतेंगे, यही हमारा विश्वास है। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए, वो तमाम लोग जो इस लड़ाई में शामिल हुए हैं उसमें आप लोगों को शरीक बने रहिए, इस बात की अपील करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार तो वो नारा आजादी वाला के साथ बनता है, पूरे देश के लोगों के पास जाना जरूरी है, क्योंकि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से, और ये आग्रह है कि जेएनयू को जितना आपने समय दिया है थोड़ा सा समय जरूर दीजिएगा, और पूरे देश को बताइएगा कि जेएनयू के छात्र आजादी मांगते हैं, भारत से नहीं,
भारत को लूटने वालों से आजादी मांगते हैं। और इस नारे को हम लोग एक बार फिर से लगाएंगे, तो हम क्या चाहते हैं? आजादी, 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 मैं भी बोलूं आजादी, तुम भी बोलो आजादी, Yeah.
लाल 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 सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, तुम देखते नहीं आप तो लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, तुम देखते नहीं आप तो लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, ओ वी सलूट, रेड सलूट, रेड सलूट टू कॉमरेड, 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 तुम को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, तुम को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, तुम देखते नहीं आप तो लाल सलाम, लाल सलाम, सबसे पहले जो मीडिया के लोग हैं वहाँ यहाँ जो मौजूद है मीडिया कर्मी, उनसे एक नम्र आग्रह है कि कल 4 बजे यहीं पर हम लोग JNUSU की तरफ से, क्योंकि एक JNUSU और चल रहा है, मुझे बड़ा सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन एक बात में खुशी भी हुई कि जो नॉन सिग्नेटरी पोस्ट है JNUSU का ABVP के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है बाहर में, और जो सिग्नेटरी पोस्ट है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट नहीं होने के बावजूद एक काउंसिल मीटिंग बुलाई गई थी, मैं उसको फर्जी नहीं कहूंगा, क्योंकि फर्जी को बार बार फर्जी नहीं कहना चाहिए, तो एक काउंसिल मीटिंग बुलाई गई थी, तो वो जो बुलाई गई थी सो बुलाई गई थी एक सच में JNUSU का सारे ऑफिस बेयरर के साथ एक काउंसिल मीटिंग बुलाएंगे, और हमारा एक मजबूत सवाल है कि जो संघर्ष हमने सबके फेलोशिप के लिए छेड़ा है, जो संघर्ष हम साथी रोहित के जस्टिस के लिए हमने छेड़ा है, उस संघर्ष को हम आगे बढ़ाएंगे, और इस संघर्ष के रास्ते में कितना भी सेडिशन लगा लो भाई, क्योंकि अंग्रेजों के चेले हो, अंग्रेजों के तरीके से ही अपने लोगों का ट्रीटमेंट करना चाह रहे हो, अंग्रेज लिखते थे रेस्टोरेंट के बाहर, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ये आजकल ये कह रहे हैं कि नॉन RSS एंड नॉन BJPite आर नॉट अलाउड, तो हम लोग कुछ भी हो BJP तो नहीं है भाई, कुछ भी हो मनुवादी और ब्राह्मणवादी तो नहीं है भाई, देश में समानता आएगी ये विश्वास है, जब तक नहीं आएगी तब तक भी तुम्हारे मनुवाद के साथ नहीं खड़े होंगे भाई, संघवाद के साथ नहीं खड़े होंगे, और तुम जो ये पॉलिटिकल टूल की तरह सेडिशन का इस्तेमाल कर रहे हो, मैं इस केस के मेरिट पे कोई बातचीत नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल जो सेडिशन है उस पर एक सवाल खड़ा कर रहा हूं, तो दो स्तर पे ये लड़ाई रहेगी, पहले जो JNUSU का अपना एजेंडा है हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, और दूसरा जो चार्जेस सेडिशन का लगाया गया है उस चार्जेस के खिलाफ हम संघर्ष को तेज करेंगे, और इस बात को झंडे वाला भी हम नागपुर में नहीं तय करेंगे, विद्रोही भवन में तय करेंगे, तय करेंगे अपने संविधान से, तय करेंगे जो हमको लड़ने का अधिकार देता है, तो अपने संविधान सम्मत लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, और तमाम टीचर, तमाम वो लोग हमारे साथी जिनके ऊपर सेडिशन लगा है और जो लोग जेल में हैं उमर अनिवान, उनकी रिहाई के लिए संघर्ष करेंगे, अदालत तय करेगा,
तय करेगा कि क्या देशद्रोह है और क्या देशभक्ति है। यह तय मैडम स्मृति ईरानी नहीं तय करेंगी, क्योंकि हम उनके बच्चे नहीं। माई चाइल्ड ये कह करके बड़ा सॉफ्टली जो है हम लोगों को टारगेट कर रही है, एक बात मैं कह देता हूँ, और मेरी जो महिला साथी है वो अदरवाइज ना ले, मैंने पहली बार स्मृति ईरानी जी के अभिनय कौशल को देखा। पार्लियामेंट में क्या परफॉर्मेंस, मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया मैं क्या देख रहा हूँ। लोकसभा चैनल है, लोकसभा टीवी है या स्टार प्लस है? मोस्ट रेस्पेक्टेड, एक्सट्रीमली रेस्पेक्टेड मैडम स्मृति ईरानी जी, वी आर नॉट योर चाइल्ड, वी आर जेन्युइन। एंड यू सीरियसली थिंक अबाउट अस, जो आप नहीं सोचती हैं, तो ये सेडिशन वेडिशन का तमाशा बंद कीजिए, हमारा फेलोशिप हमको दे दीजिए, और रोहित की हत्या जो हुई है उसकी नैतिक जिम्मेवारी ले लीजिए, क्योंकि वो नैतिकता की बहुत बात करते हैं। तो नैतिक जिम्मेवारी लेकर के जो आपको उचित लगे, आपसे इस्तीफा भी नहीं मांगते हैं, तो आप कर दीजिए। नारेबाजी हम फिर भी करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। यह लड़ाई तब तक रहेगी जब तक हम इस देश के संविधान की प्रस्तावना को सचमुच का समाज में लागू न कर दें। और चुनाव में वो तमाम लोग जो हमारे साथ खड़े हैं, उनसे हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, अभी चुनाव हो जाए तो कल देख लीजिएगा कि हम आयशा के साथ क्या करते हैं, और परसों दिखेगा कि आयशा हमारे साथ क्या करेगी, और उसके अगले दिन DSF और SFI क्या करते हैं, और उससे अगले दिन DSU हम सब का क्या करते हैं। मतलब नहीं है कि बापसा अगर हमारा क्रिटिसिज्म कर रहा है, लाल भगवा एक है, सारे कॉमरेड फेक है, तो वो ABVP के साथ जाकर के खड़ा हो जाएगा। आ जाओ मेरे भाइयों, अंबेडकर जी की स्वर्ण जयंती मना रहे हो, देख लो वो लोग भी इसी भीड़ में बैठे हुए और इसी लड़ाई में शामिल है। हम लोग अपने पर्सपेक्टिव में पूरे तरीके से स्पष्ट हैं। जिन शिक्षकों से हमारी नहीं बनती, वायबा बोसी के सवाल पे बहुत झगड़ा हुआ एकेडमिक काउंसिल में, और वही टीचर यहाँ एड ब्लॉक पे खड़ा होकर फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए, जेएनयू के साथ खड़े हुए, और जो जेएनयू के लोग हैं वो इस बात को समझते हैं, और ये जिम्मेवारी हमारे ऊपर है कि हम काउंसिल मीटिंग करेंगे, उस काउंसिल मीटिंग में कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करेंगे, और जो हमारी एकजुटता बनी है उस एकजुटता को हम और मजबूती देते हुए खत्म करेंगे, और जो हमारे साथी सारे साथी हैं उनकी रिहाई के लिए संघर्ष करेंगे, जो हमारा आंदोलन है सबकी शिक्षा के लिए, सबको फेलोशिप के लिए, और साथ ही रोहित के लिए सोशल जस्टिस के लिए, उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। और इस लड़ाई में हमें पूरा भरोसा है, जिस तरीके का सहयोग शिक्षकों और कर्मचारियों का मिला है वो हमें मिलता रहेगा। इसी अपील के साथ, इसी बात के साथ, आप मीडिया कर्मियों को एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए और ये अपील करते हुए,
कि कल 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जरूर आइएगा। आगे का रणनीति हम आपको बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया।